आज जो लाडनू ब्लड बैंक शुरू हुआ है, ये मुझे खुशी है कि जिन युवाओं की मांग थी, जिन सामाजिक संगठनों की मांग थी और उस नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मुस्कान फिल्म्स और आज हम दिखा रहे हैं आपको लाडनू के अंदर जो ब्लड बैंक थी उसका शुभारम्भ हो गया है और जिसका उद्घाटन है वो आज करेंगे लाडनू के मौजूदा विधायक मुकेश जी वाकर। ये देखिए आप जो ब्लड बैंक लाडनू के अंदर बनी है उसको पूरी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। यह है मेडिकल एग्जामिनेशन रूम, इसके अंदर डॉक्टर बैठेंगे। जो फर्स्ट रूम के बाद सेकंड रूम है, इसके अंदर ही एक रूम बनाया गया है जो रिकॉर्ड एंड डाटा, यानी कि यहाँ पे जो भी फाइल वगैरह होगी, जो भी ब्लड देगा उसके डाटा है वो वहाँ पे सेफ रहेंगे। और इस डॉक्टर के रूम के बाद आगे अगर अपन देखते हैं तो दूसरा जो रूम है वो स्टोर रूम बनाया गया है यहाँ पे, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, जो ये देखिए, ये ब्लड स्टोरेज एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड, जो पॉइंट लोग ब्लड देंगे वो जो डी फ्रीज लगे हुए हैं उनके अंदर सेफ रहेंगे। ये देखिए आप, जो ब्लड सेफ रखने के लिए ये रूम बनाया गया है। उसके बाद ये देखिए TTI लेब, यानी कि यहाँ पे जो भी जांचें होगी ब्लड देने से पहले, अगर किसी भी प्रकार की जांच होती है तो वो इस रूम के अंदर होगी। बाकायदा सब रूम के अंदर AC लगाई गई है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, हर रूम के अंदर AC लगाई गई है। ये लेब है जो ब्लड यहाँ पे सैंपल लिए जाएंगे वो है। उसके बाद ये देखिए जो मेन है डोनर रेस्ट रूम, सेरोलॉजी लेब एंड डोनर रूम, इसी के अंदर जो ब्लड लिया जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर तीन रूम जो बनाए गए हैं। ये है डोनर रेस्ट रूम, यानी कि जो ब्लड देते हैं उसके बाद अगर थोड़ी देर रेस्ट करनी पड़ती है तो ये बेड बाकायदा अच्छी तरीके से, तीन बेड लगाए गए हैं। और इसके अंदर भी AC है जो एयर कंडीशन बनाया गया है पूरा, किसी भी प्रकार की ब्लड देने वाले इंसान को प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एक छोटा सा अंदर ये लेब है जहाँ पे चेकअप वगैरह होगा, ये देखिए आप। इसके बाद जो मेन रूम है ब्लड डोनेट करने के लिए, जो ब्लड लिया जाता है, ये देखिए दो चेयर लगाई गई है इसके अंदर। ये 9 नंबर रूम है जिसके अंदर दो चेयर लगाई गई है, देखिए बहुत ही शानदार और पूरी कंप्यूटराइज है। ये देखिए, ये भी एयर कंडीशन है। इसके अंदर ये छोटा सा काउंटर बनाया गया है जहाँ पे नर्सेज स्टाफ वगैरह जो बैठेंगे। और अभी कुछ ही देर के अंदर आप वीडियो के अंदर देखेंगे, ये आ चुके हैं लाडनू के मौजूदा विधायक मुकेश जी वाकर, जिनका सरकारी अस्पताल के PMO जो डॉक्टर साहब है कमलेश कसवा जी, और BCMO मूलचंद जी चौधरी जो साफा व माला पहनाकर इनका स्वागत करेंगे अभी। और जो तिलक की परंपरा होती है, ये देखिए BCMO मूलचंद जी ने चेयरमैन लाडनू रावत खान जी को साफा पहनाया है, वह कमलेश कसवा जी ने लाडनू विधायक को साफा व माला पहनाकर स्वागत किया है। और साथ में जो जनप्रतिनिधि आए हैं, फरदान है, सरपंच है, लाडनू के मेंबर है, उन सब का स्वागत किया जा रहा है लाडनू के सरकारी अस्पताल के मेन गेट पर। मेन डोर है ये लाडनू के सरकारी अस्पताल का, यहाँ पर इनका जो सम्मान किया जा रहा है। और ये आगे बढ़ रहे हैं लाडनू के विधायक मुकेश जी वाकर, जो साथ में लोग आए हैं, खूब सारे इकट्ठे हुए हैं लोग लाडनू ब्लड बैंक के शुभारंभ के अवसर पर। और ये अपने हाथों से जो उद्घाटन कर रहे हैं लाडनू के विधायक मुकेश जी वाकर, जो लंबे समय से अटकी पड़ी ब्लड बैंक की समस्याओं को, जो युवा बार बार उठा रहे थे ये मुद्दा, उनकी सपनों को पूरा किया है। और अब ये अपने जो बात रख रहे हैं मुकेश जी वाकर, सुनिए आप। चुनावी वादे आज से 2.5 साल पहले जब चुनाव थे हम लोगों ने किए, और चुनावी वादों से ज़्यादा जो लाडनू शहर की मांग थी, जो युवाओं द्वारा बार बार मांग उठाया जा रहा था, और जो ब्लड बैंक शुरू होने में सिर्फ डॉक्टर्स की या छोटे मोटे जो उपकरणों की कमी थी उसकी वजह से रुका हुआ था, और पीछे कोविड में भी और जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार हुआ उसमें, आज जो लाडनू ब्लड बैंक शुरू हुआ है ये मुझे खुशी है कि जिन युवाओं की मांग थी, जिन सामाजिक संगठनों की मांग थी और उससे ज़्यादा जो ज़रूरत लाडनू वासियों के लिए थी, अब ना जानगढ़ ब्लड बैंक में जाना पड़ेगा ना डीरवाना जाना पड़ेगा। अब हम लोगों को जब भी अस्पताल में ब्लड की उनकी ज़रूरत होगी तो यही
नहीं पूर्ति हो जाएगी। मुझे आज खुशी है कि एक वादा और वादे से ज़्यादा जो ज़रूरत जो मांग लोगों की वो आज लाडनो में पूरी हुई है। और आने वाले समय में चाहे ट्रॉमा सेंटर हो, ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो रखा है, नया ट्रॉमा सेंटर जल्द ही बनेगा जिसकी स्वीकृति बजट में हो चुकी है, तो धीरे धीरे जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, जो चिकित्सा सेक्टर था, उसमें जो सुधार हुए हैं वो मैं समझता हूं कि जो एक लोगों के बीच काम करने का जो बात थी, जो वादा था, उसमें कहीं ना कहीं दो कदम हम लोग आगे चले। हैं जो ब्लड डोनेशन के कैंप लगाती हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई समस्या है। नहीं आएगी, सही है। ऐसे तो जैसे जरूरत पड़ती है तो अपने पास ब्लड बैंक है, रामगढ़ भी है, क्योंकि लोग लाते हैं, एक्सपायरी है, अगर यूज नहीं हो रहा तो बगल वाले ब्लड बैंक को देना पड़ता है। अच्छी बात खाने भी चाहिए।